मिलते हैं। फेसबुक पर हमें सवाल भेजा है अशोक जी ने, उत्तर प्रदेश से हैं ये, और इनका सवाल है सूजलॉन पर 5,000 शेयर्स 2285 पर लिया हुआ है, थोड़ा ऊपरी लेवल्स पर ले लिया, लेकिन मुनाफे में है ये। इस बार स्टॉक 30 के आसपास कारोबार कर रहा है, और हम देख रहे हैं कि पावर स्टॉक्स में आज अच्छी तेजी भी देखने को मिल रही है। सूजलॉन भी इस बीच काफ़ी शानदार रैली यहाँ पर भी देखने को मिली। स्नेहा 2385 इस लेवल पर है, अपने हाई के आसपास कारोबार कर रहा है, थोड़ी और तेजी के लिए बने रह सकते हैं स्टॉक में। से अगर आप ये काउंटर देखें तो रिसेंटली थोड़ा मोमेंटम में आया है। इनफैक्ट पिछले कुछ महीनों से इसमें कंटिन्यूसली तेजी देखने को मिली है। ओवरऑल देखा जाए तो कंटिन्यूसली 20 डीमा के ऊपर ही चल रहा है ऑन द डेली चार्ट, व्हिच इज सेट टू बी पॉजिटिव। मेरा मानना है कि एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 21 के आसपास और उसे होल्ड कर सकते हैं। अपसाइड में जो रिसेंट हाई गया है 27, ये सरपास होता है तो पॉसिबिलिटी है कि 33-34 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। तो अगर किसी ने लॉन्ग करके होल्ड किया है तो वो 21 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के बोल दे सकते। 21 का स्टॉप लॉस ध्यान में रखें, वो स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड कर सकते हैं। आने वाले समय में 33-34 रुपए तक भी जा सकता है। चलिए अगले दर्शक। ये हमें इंस्टाग्राम पर आया है, भोपाल से अमित वर्मा जी का सवाल है, और इनका सवाल है ब्राइटकॉम पर 1200 शेयर्स इन्होंने 40 पर लिया हुआ था, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इन्हें स्टॉक में समय पर निकल नहीं पाए। और हमने देखा था कि ब्राइटकॉम में बीच में कुछ खबरें भी आई थी, नेगेटिव खबरें आई थी, सेबी के रडार पर आ चुका था, जिसमें कुछ बड़े इन्वेस्टर्स का नाम यहाँ पर सामने भी निकल कर आया था, कुछ शेयरों की हेरा फेरी की बात यहाँ पर की गई थी, अकाउंट्स में गड़बड़ी की बात की गई थी, जिसके बाद हमने देखा स्टॉक में भारी गिरावट आई, और अभी तो स्टॉक 13 रुपये के आसपास है, लगातार स्टॉक टूट रहा है, आज भी 5% ये शेयर नीचे ही है। तो नुकसान तो काफ़ी हो चुका है और जल्दी रिकवरी के कुछ आसार तो यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। बट स्नेहा आपसे जानना चाहेंगे, देखिए फंडामेंटली तो स्टॉक में अभी कुछ कह पाना मुश्किल है, क्योंकि अभी ये जांच के घेरे में है ये शेयर। क्या सुझाव देंगी आप, थोड़ी भी रिकवरी या किसी भी उछाल की आपको यहाँ पर उम्मीद लग रही है, जिस पर इन्हें निकल जाना चाहिए स्टॉक से, और कोई स्टॉक इन्हें सजेस्ट करेंगी जिससे इनकी नुकसान की भरपाई और तेजी से हो सके? अगर आप ये काउंटर देखें तो इसमें ओवरऑल कोई चार्ट में ऐसा रिवर्सल का साइन नहीं दिख रहा है, कंटिन्यूअसली नीचे ही जा रहा है ये काउंटर। मुझे लग रहा है कि इसमें और प्रेशर भी आ सकते हैं और नीचे ही जाने के भी बहुत सारे चांसेस है इसमें। आपको सजेस्ट इसे बिल्कुल ही एग्जिट कर लें अभी के लिए, बिल्कुल भी होल्ड मत करें, बेटर है करके कि दूसरे काउंटर्स में आप फोकस कर सकते हैं। पीएसयू बैंक्स अगर आप देखें तो काफी अच्छे लग रहे हैं मुझे ये लेवल्स पे। आईटी स्टॉक्स भी है जो अभी थोड़े मोमेंटम में आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फोकस कर सकते हैं आप। अगर ज्यादा नहीं तो आप एटलीस्ट पीएसयू बैंक्स में अभी के लिए ट्रेड करें, क्योंकि अभी तक बैंकिंग इंडेक्स थोड़ा सा कंसोलिडेट करा था, बट अभी लग रहा है करके कि यहाँ से अगर मोमेंटम आता है तो पीएसयू और सारे बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी आ सकती है, तो वहाँ पे फोकस कर सकते हैं। एसबीआई, आईसीआईसीआई, एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कैनरा बैंक, फेडरल बैंक, ये सारे काउंटर्स काफी अच्छे हैं। तो दिग्गज बैंकिंग स्टॉक्स में पैसे लगाने की सलाह स्नेहा जी की तरफ से। इस तरह की कंपनियों से दूर रहें और बैंकिंग स्टॉक पे आप फोकस कर सकते हैं, वहां पर तेजी स्नेहा जी को लग रही है। लेकिन